लालकुआ विधानसभा गोलापार क्षेत्र के बागजाला मार्ग के नासूर बने गड्ढे पिछले 4 साल में भी नहीं भरे हैं। जर्जर हो चुके इस मार्ग की स्थिति ये है कि यहाँ वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना तक दुश्वार है। बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं, जबकि 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर स्कूल और आधा दर्जन से अधिक गाँव पड़ते हैं। यही नहीं, यहाँ मार्ग राष्ट्रीय स्टेडियम से भी जुड़ता है। बागजाला मार्ग की गिनती गोलापार क्षेत्र के महत्वपूर्ण सड़कों में होती है, पर मौजूदा समय में यह मार्ग क्षेत्र की जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मार्ग पर हुए गहरे गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दोपहिया वाहन फिसलने से आए दिन लोग चोटिल होते हैं, जबकि इस मार्ग पर प्राथमिक विद्यालय स्कूल स्थित है। वहीं स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थियों को रोजाना इस गड्ढे भरे मार्ग से आना जाना होता है। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत लड़कियों और छोटे बच्चों को होती है। वहीं यहां मार्ग देवला तला कुंवरपुर चौरगलिया खेड़ा आदि गांवों से होती हुई स्टेडियम मार्ग से जुड़ती है। ये बागजाला है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के गोलापार जो है उसके निकट गांव है। इस गांव में कई आज ये तो 3.5 साल हो जाते हैं फिर, और तब से इस रोड की हालत बहुत बुरी है। आए दिन लोगों को चोट लगते रहती है, और जो हमारे शासन प्रशासन जो हमारे विधायक हैं बिल्कुल अनदेखी हो रही है, और इसमें कोई ऐसा विकास नहीं हो रहा है पूरे क्षेत्र में। और ये जो मतलब रोड है, ये कई भी गांव को लिंक करती है, कभी हमारे सारे ग्राम सभाओं को लिंक करती है। कई ग्राम सभा के लोग इस ग्राम सभा में और इस ग्राम सभा के लोग उस ग्राम सभा में आना जाना इस रोड पर है, लेकिन इस रोड की बहुत बुरी स्थिति है। हमने पहले भी आपके माध्यम से इसको अवगत कराया है, और हमने डीएम साहब को महोदय जी को भी इसका ज्ञापन दिया है कि बागजाला में कई समय से हमारे रोड का निर्माण नहीं हुआ है और करा दिया जाए। और कई हम लोगों ने अभी बाहर निर्माण के लिए भी इसका रिजल्ट बना रहे हैं कि भाई यहाँ से नहीं तो, अगर यहाँ से अनदेखी हो रही तो कहीं से तो हो। बिल्कुल अनदेखी है सरकार की, इधर को तो सरकार देख ही नहीं रही है। यहाँ को तो बिल्कुल कोई विकास के नाम से एक पत्थर तक नहीं लगा है।